गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक टीचर एंड आई एम फ्रॉम SVPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल। प्रीवियस वीडियोस में हमने 3 डिजिट नंबर सीखे थे। आज हम इन 3 डिजिट नंबर को हंड्रेड्स में कैसे काउंट करना है वो देखेंगे। तो देखिए, यहाँ आपको कुछ ब्लॉक्स दिए गए, ध्यान से देखना बच्चों। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ब्लॉक्स हैं। अब इन 10 ब्लॉक्स को मिला के एक पूरा सेक्शन बनाया है, तो इस सेक्शन में अगर आप काउंट करोगे तो आपको 10 ही मिलेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बन गया 10 का। तो ये एक पूरा सेक्शन किससे बना हुआ है? एक पूरा सेक्शन बना हुआ है 10 ब्लॉक से। तो बच्चों ध्यान से, अभी हमने किया था एक सेक्शन में 10 ब्लॉक्स है, तो यहाँ इन सेक्शन को काउंट करेंगे ये कितने हैं। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ये 10 है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 सेक्शन है और हर सेक्शन में कितने हैं? 10 ब्लॉक्स हैं। तो 10 को 10 से ऐड करेंगे 20, फिर उसमें 10 ऐड करेंगे 30 40 50 60 70 80 90 100। तो बच्चों ये पूरे कितने बने? 100। अब इन 100 ब्लॉक्स से मिला के पूरी स्लाइड बनी हुई है। ये स्लाइड कितने की है? इस स्लाइड में 100 ब्लॉक्स हैं। अब आगे समझेंगे और ज़्यादा। देखिए, अभी मैंने आपको समझाया था कि एक स्लाइड में 100 ब्लॉक्स है, तो ये एक पूरी स्लाइड है 100 ब्लॉक्स है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 100। अब यहाँ देखिए, एक स्लाइड में अगर 100 ब्लॉक्स हैं तो पहले हम इन स्लाइड्स को काउंट करते हैं। देख 1 2 3 4 5 6, यानी 6 स्लाइड है। एक स्लाइड में अगर 100 ब्लॉक्स हैं तो 6 स्लाइड में कितने होने वाले हैं वो देखिए। 100 200 300 400 500 600, तो कितने ब्लॉक्स हुए 6 स्लाइड्स में 600 ब्लॉक्स हो चुके हैं। अब देखिए, ये वन ब्लॉक, ये वन सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, यानी एक स्लाइड में 100 है, तो दो स्लाइड में कितने होने वाले हैं? दो स्लाइड में 200 ब्लॉक्स होने वाले हैं। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ एक स्लाइड है, 2 3 4 5 6 7 7, तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने अभी आपको बताया था कि एक स्लाइड में 100 ब्लॉक्स हैं, तो यहाँ 7 स्लाइड्स हैं, तो 7 स्लाइड्स में कितने हो जाएंगे? 700 ब्लॉक्स हो जाएंगे, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, एक स्लाइड में कितने, जैसा कि मैंने बच्चों आपको बताया था एक स्लाइड में 100 ब्लॉक्स होते हैं, तो यहाँ स्लाइड्स को काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 8 स्लाइड्स हैं, तो एक स्लाइड में अगर 100 ब्लॉक्स हैं तो 8 स्लाइड्स में देखो 100 200 300 400 500 600 7 और 8, तो कितने हुए यहाँ? 800 ब्लॉक्स हो गए हैं। यहाँ देखिए, एक स्लाइड में, बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ, एक स्लाइड में 100 ब्लॉक्स होते हैं, तो यहाँ देखिए कितनी स्लाइड है, 1 2 3 4, तो यहाँ 100 200 300 400, तो कितनी स्लाइड बन गई? 4 स्लाइड, तो 4 स्लाइड में कितने ब्लॉक्स बने? 400 ब्लॉक्स बन गए हैं। यहाँ देखिए, यहाँ स्लाइड काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इनका भी काउंट करेंगे हम, कितने ब्लॉक्स बनते हैं? तो ब्लॉक्स बनते हैं 100 200 300 400 500 6 7 8 9, तो कितने ब्लॉक्स बने इसमें? इसमें 900 ब्लॉक बन गए हैं। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ 5 स्लाइड्स हैं और हर स्लाइड में 100 ब्लॉक्स हैं, तो कितने बन गए? 100 200 300 400 500, यानी 500 ब्लॉक्स यहाँ बन चुके हैं। यहाँ देखिए कितने स्लाइड काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ है आपकी 10 स्लाइड, तो ईच स्लाइड हैव 100 ब्लॉक्स, यानी एक ब्लॉक्स में 100 स्लाइड्स होते हैं। तो देखिए 100 200 300 400 500 6 7 8 9 और 10, तो इसको कैसे काउंट करेंगे? इसको काउंट करेंगे 100 200 300 400 500 600 700 900 800 900 और 1000, तो यहाँ कितने ब्लॉक्स बने? यहाँ 1000 ब्लॉक्स बने हैं। तो बच्चों ये था आज हमारा काउंटिंग इन हंड्रेड्स, यानी हंड्रेड्स में कैसे काउंट किया जाता है। आज आपको अपनी होमवर्क नोटबुक में 1 से लेके 100 तक काउंटिंग राइट डाउन करनी है। ये तो वो आपको काउंटिंग इन हंड्रेड्स का, अब साथ ही आपको 1 to 500 और 500 to 1000, यानी 3 सेक्शंस में आपको अपना होमवर्क करना है। यानी आपको 100
200, 300, 400, 500, 600, 7, 8, 9 और 10, यानी आपको 1000 तक काउंटिंग राइट डाउन करनी है। वेनेसडे